स्विच बंद बता रहा है। ये देखिए जी, बीट रूट को कितना महीन काट रहा है ये युवा बच्चा। नेचुरल एनर्जी बाइट स्प्राउट्स भेल यहाँ सूरजमल पार्क के बाहर। ये देखिए जी, यहाँ चने, मूंग दाल, तो क्या जी सब के साथ यहाँ भेल बनाई जा रही है। क्या क्या डालते हो बेटा भेल में? चने है, मूंग है, रमास है, चुकंदर है, और ये पीनट्स है, और ये सीफॉन है, मैथी है, और किशमिश, बादाम और नींबू। बादाम दिखाओ। वाह जी वाह। और नींबू के साथ बीट रूट्स और मसाला डाल के। कितने की देते हो प्लेट? 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। अच्छा जी, ये देखिए जी, यहाँ 30, 40 और 50 रुपये में नेचुरल एनर्जी बाइट स्प्राउट्स भेल। ये सूरजमल समाधि पार्क के बाहर इस तरह से बहुत से लोग यहाँ आते हैं और स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें यहाँ पर खाने को मिल जाती है। नेचुरल एनर्जी बाइट, जी हाँ, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट डाइट है, स्प्राउट्स भेल है। इसमें कई प्रकार के अपनी हमारी दालें हैं, उन सबको स्प्राउट्स करके ये बहुत ही अद्भुत भेल बना रहे हैं। घर में हम बनाते हैं, उसमें हम सिर्फ 2-3 चीज़ें ही डालते हैं, और यहाँ देखिए इन्होंने कितना कुछ यहाँ इसमें डाला हुआ है। मेथी दाना भी, किशमिश, बादाम भी। मोहित, ये आइडिया कहाँ से आया तुम्हारे को? ये सर मेरे चाचा ने दिया है इसको आइडिया को, कि वो मतलब सुबह खाते हैं ना इसको, तो इसलिए उन्होंने कहा इसकी दुकान भी लगाते हैं, तो इसमें फिर ऐड किया है। इसमें मूंग भी ऐड कर दी और चुकंदर उकंदर ऐड करके इसका भेल, इसको स्प्राउट भेल का नाम दे दिया। अच्छा, कब से कर रहे हो आप इसको? हो गए हैं 1-1.5 साल होने जा रही है। अच्छा, कितनी पढ़ाई किया तुमने? मैंने अभी 11 किया, 12 में आया हूँ। पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हो, और सुबह सुबह आकर ये यहाँ सूरजमल पार्क के बाहर आप ये सारा लगाते हैं। तो इसका कितना रेट कितना है? इसका रेट है 100 ग्राम का 40 रुपये और 200 ग्राम का 60 रुपये। 60 रुपये। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक महाराजा सूरजमल समाधि पार्क लीला होटल के पास विवेक विहार शाहदरा दिल्ली 32 में। ये फ़ोन नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। आप जब भी यहाँ आएँ सैर करने के लिए इसका अवश्य सेवन करें। ये एक अवेयरनेस भी है, आज हम अस्वस्थ हो रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा आपको, ये सब कुछ जो है भगवान की रसोई का भोजन है। देखिए इसमें और कुछ भी नहीं है, नेचुरल जो ईश्वर द्वारा बनाए गए जो खाद्य पदार्थ हैं, केवल उन्हीं को पानी में सिर्फ भिगोया हुआ है और नींबू के साथ में। और ये नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमको स्वस्थ रखती हैं। मैं निर्मल रतनलाल वैद आपसे यही कहूँगा कि आप भगवान की रसोई का भोजन अधिक से अधिक करें। उसके बाद मनुष्य की रसोई होती है, और उसके बाद राक्षस की रसोई होती है। राक्षस की रसोई आप सब जानते ही हैं, आजकल का जितना भी ये जंक फूड है, पिज़्ज़ा बर्गर से लेकर नॉनवेज, ये सब राक्षस की रसोई का भोजन है, जिसको हम पका के खाते हैं, जिसको प्रेशर कुकर में पकाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, बासी खाते हैं। दुनिया का कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी, कोई भी समुद्री जीव रात शाम को सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाता है। मनुष्य है जो हर समय चरता रहता है, जिसकी वजह से बीमार रहता है। आप आज देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में हॉस्पिटल, पूरे देश में हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं। और स्वस्थ रहने का एकमात्र कारण है कि हम प्रकृति को अपना लें, हम जानवरों से सीखें, पक्षियों से सीखें। कभी भी 7 बजे के बाद भोजन नहीं करना है, और भगवान की रसोई का भोजन करना है। इसी के द्वारा आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहूँगा। चलिए जी, फिर मिलते हैं इसके बाद अगली किसी स्टोरी में। आपको स्टोरी कैसे लगी मुझे ज़रूर लिखिएगा, और जब भी आप इधर आएँ मोहित का ये हेल्दी ब्रेकफास्ट ज़रूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।